फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपना कुंजलता का फ्लावर शो कर रही हूँ, जिसको गणेश बेल के नाम से भी जानते हैं। इस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, मैं ये आपको इसलिए शो कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि जो मैं कुंजलता का प्लांट लेकर आई थी 4 से 5 महीने पहले, वो पूरी तरह से डेड हो चुका है। ये देखिए, जो मेन इसका मदर प्लांट था वो डेड हो चुका है बिल्कुल। और जो उसके 2 महीने बाद मैंने अपने सीड से ग्रो किए थे प्लांट कुंजलता के, अब इन्होंने जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। और उसमें आज 2 फ्लावर्स भी खिले हैं। कितना सुंदर क्यूट सा फ्लावर है, बिल्कुल छोटा सा रेड कलर का। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसने अपनी ग्रोथ जो है स्टार्ट कर दी है। जो इसका मदर प्लांट था वो डेड हो गया, तो इससे मुझे लगता है कि अगर इसको हम मतलब 2 बार, ये पहला प्लांट था ये तो चला गया, लेकिन जो मैंने इसके 2 महीने के बाद, इसके सीजन आने के बाद लगाया, तो वो प्लांट फिर से ग्रोथ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। देखिए इस तरह से इसमें नई कलियां बन रही हैं और नई ग्रोथ भी इसने स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, कुछ दिन पहले मेरा ये प्लांट बिल्कुल ही डेड हो गया था, अभी ये 2-3 दिनों में ही इसने अपनी ग्रोथ जो है स्टार्ट की है। बहुत ही क्यूट फ्लावर होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी कलियां भी इसमें बन गई हैं। तो आज का टॉपिक मेरा ये नहीं है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा कि मेरे पास कितने गुड़हल के प्लांट हैं, हिबिस्कस के प्लांट मेरे पास कितने हैं, और मैं उनकी केयर जो है किस तरह से करती हूँ फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक मेरा यही रहेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पर नए हों, मेरे चैनल पर नए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो पूरा देखें फ्रेंड्स, लाइक कमेंट और शेयर भी करें और अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़े बीज और लाई हूँ इसके, ये कुंजलता के, वो मैं इसी प्लांटर में जो है मैं लगा दूंगी, ताकि ये खूब अच्छा से घना हो जाएगा। ये 3-4 प्लांट और उसमें निकल आएंगे। तो ये कुंजलता के जो हैं, ये सीड्स मैंने कलेक्ट किए थे, तो इन्हीं को मैं इस तरह से, बहुत इजी है इसको ग्रो करना फ्रेंड्स। मैंने ऐसे ही ये सारे ग्रो किए थे, इस तरह से ये सारे बीज आप डाल देंगे और इसको मिट्टी से ढक दीजिए, और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। और सुंदर तो बहुत ही लगता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से मिट्टी से ढक दीजिए और इसका अपडेट मैं आपको बाद में दूंगी, अगर जब ये सीड्स के ग्रो हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा सबसे पहला प्लांट है हिबिस्कस का, देसी हिबिस्कस का, जो कि बहुत ही पुराना प्लांट है। एक लोहे के प्लांटर में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है मेरा ये, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी जो ये रूट है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना ये पुराना प्लांट हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो गया है ये। तो एक ये देसी हिबिस्कस का है प्लांट। इस बार मैं इसकी कटिंग लगाऊँगी और इसमें अभी भी कलियाँ देखिए बन रही हैं। इस तरह से फ्लावर्स का साइज़ छोटा हो गया है, लेकिन कलियाँ जो हैं अभी भी इसमें बन रही हैं, देसी वाले हिबिस्कस में। इस तरह से है ये अगला प्लांट फ्रेंड्स, ये है, ये भी हिबिस्कस का प्लांट है। और देखिए इसके फ्लावर का साइज़ पूरा जितना पहले आ रहा था बिग साइज़, उतना ही आ रहा है। और है तो ये देसी हिबिस्कस ही, लेकिन इसमें फ्लावर की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी कलियां भी देखिए इसमें भी आई हुई हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और काफ़ी लंबा प्लांट ये हो गया है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना लंबा चला गया है। इसकी भी अभी से मैं कटिंग करूंगी
और इसकी भी कटिंग लगा दूंगी। देखिए कितनी सारी, हर जो इसकी ब्रांचेज हैं सब पे खूब सारी कलियां बनी हुई हैं। बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है प्लांट, और देसी ही है, सुंदर लगता है काफ़ी। अगला प्लांट ये हाइब्रिड वाला है फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी बिग साइज़ का फ्लावर आता है। ये जो फ्लावर आता है इसमें फ्रेंड्स, वो कुछ पिंक सा कलर लिए हुए होता है, काफ़ी शाइनिंग होती है उसमें, और इसमें भी काफ़ी कलियां आई हुई हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड नंबर का है मेरा हाइब्रिड वाला। और ये वाला फ्रेंड्स वाइट, इसमें फ्लावर्स आते हैं हिबिस्कस के। देखिए ये देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं इसमें भी, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। इस तरह के साइज छोटा हो गया है, और एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं जब इनका सीज़न होता है हिबिस्कस का, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से आज एक वाइट वाला खिला हुआ है। और ये अगला प्लांट फ्रेंड्स, ये भी हिबिस्कस का है, इसमें भी कलियां देखिए कितनी सारी बनी हुई हैं। इसमें इस तरह का फ्लावर आता है पिंक कलर का, कितनी सारी कलियां हर प्लांट में आपको दिखेंगी, कितनी सुंदर लग रहा है। और अगला ये तो मैं अभी लेकर आई हूँ, जो आपको शो किया था हाइब्रिड वाला ही है, इसमें भी काफ़ी कलियां बनी हुई हैं अभी, और इसमें भी ये भी वाइट कलर का ही है। जिस तरह का ये फ्लावर आ रहा है इसी तरह का ये प्लांट है, इसमें भी खूब सारी कलियां बनी हुई हैं। और अगला जो मैं ये लेकर आई थी हाइब्रिड वाला है हिबिस्कस, कितना क्यूट सा फ्लावर है, शाइनिंग वाला एकदम, एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं इसमें भी, बहुत ही सुंदर प्लांट है। और अगला ये भी हाइब्रिड वाला है, आज इसमें एक ही फ्लावर खिला हुआ है, और कितनी सारी कलियां देखिए बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। अगला ये भी हाइब्रिड वाला है, इसमें गुच्छे वाले आते हैं फ्लावर्स, बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है सारे ही हिबिस्कस के प्लांट। और अगला प्लांट फ्रेंड्स, ये भी हिबिस्कस का ही है, इसमें गुच्छे वाले फ्लावर्स आते हैं रेड कलर के, इस तरह के जो आपको शो हो रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया ये भी। टोटल मेरे पास 10 से 11 प्लांट हो चुके हैं हिबिस्कस प्लांट के। अब इस बार जब बरसात आएगी तो मैं इनकी कटिंग ग्रो करूँगी, कुछ प्लांट जो मुझे बहुत पसंद हैं इसमें से। हालांकि सारे ही प्लांट हैं हिबिस्कस के सुंदर होते हैं, तो इनकी केयर मैं कैसे करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तो कुछ दिन पहले मैंने इन सारे प्लांटर्स में जो है सरसों खली का फर्टिलाइज़र दिया था, और वैसे मैं ज़्यादातर जो है अपने गुड़हल के प्लांट में जो कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी का लिक्विड बना के वो मैं अपने सारे जो प्लांटर्स हैं गुड़हल के उनमें देती हूँ, स्पेशली 10 दिनों के अंतराल में जब समर्स आती है तब। तो एक कॉफ़ी का पाउच जैसे डाल लिया 1 लीटर पानी में, तो वही मैं अपने सारे जो प्लांट हैं उनमें दे देती हूँ, जो है हिबिस्कस के प्लांट हैं। और इसमें फंजीसाइड का स्प्रे भी करती रहती हूँ ताकि मिलीबग वगैरह का अटैक ना पड़े, क्योंकि इसमें मिलीबग का अटैक फ्रेंड्स बहुत पड़ता है हिबिस्कस में, बहुत ज़्यादा पड़ता है बरसात में, तो बहुत ही परेशान कर लेते हैं ये मिलीबग। तो कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ अपने सारे प्लांट में हिबिस्कस में, और बाकी वर्मी कंपोस्ट वगैरह देती रहती हूँ, और जो गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ समर में, क्योंकि वो ठंडा रहता है, तो वो मैं वो देती रहती हूँ हर 10 दिनों के अंतराल में। बस यही सब करने से फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट हैं अच्छी ग्रोथ करते हैं। और ये तो बात है ही है फ्रेंड्स कि जो जितनी केयर हम अपने प्लांट्स की करेंगे वो उतने ही हमें फल और फ्रूट देंगे। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था कि मेरे पास कितने हिबिस्कस के प्लांट हो गए हैं।
और उनकी केयर हमें किस तरह से करनी चाहिए ताकि वो हमें अच्छे से फ्लावर्स जो हैं दे सकते दें। और देखिए फ्रेंड्स में कहाँ से ये जो ब्लैक रंग के आपको कीड़े दिख रहे हैं ये, इस कली को मैं हटा लूँगी। तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं सारे हिबिस्कस के, जब समर में तो बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होती है, अभी तो विंटर चल रही है तो ब्लूमिंग कम है, फ्लावर का साइज़ भी छोटा हो गया है। तो ये छोटी सी शेयरिंग आपके साथ करनी थी मुझे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।